बरसात का मौसम हो और ये गर्मा गर्म पतौड़ मिल जाए चाय के साथ तो मजा ही आ जाता है। इसे बनाना बहुत ही सरल है, चलिए आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 10-15 अरबी के पत्ते, बेसन, अजवाइन, हरा धनिया, अदरक, हरी मिर्च और नमक मिर्च स्वाद अनुसार। सबसे पहले अरबी के पत्तों के डंठल तोड़कर इन सब मसालों को बेसन में मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बना लीजिए। पानी को ध्यान से थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करिएगा, क्योंकि अगर पतला हो गया तब फिर अच्छे पतौड़ नहीं बन पाएंगे। इसके बाद आप पत्ते को किसी थाली पे या फ्लैट सरफेस पे बिछाकर अपने हाथ से ये पूरा पेस्ट पत्ते पे लगाइए और जैसे एक पेस्ट लग जाता है फिर दूसरा पत्ता रखिए। इस तरीके से करीब 4-5 पत्तों का आप एक घोल लगा के एक बंडल सा बना लीजिए। अरबी के पत्ते सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मैग्नीशियम, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, जिंक, विटामिन सी, विटामिन ए, इतनी सारी चीजें होती हैं। हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि अरबी के पत्तों को इस मौसम में हम ज्यादा से ज्यादा अपने आहार में शामिल करें। जब आपके सारे रोल तैयार हो जाएंगे तो एक प्रेशर कुकर में आप पानी लीजिए, उसमें कोई बर्तन जैसे कोई प्लेट या जाली वगैरह लगा सकते हैं और पानी डाल के ये सारे रोल उसमें आराम से बिछा दीजिए और उसके बाद आप इसमें करीब 4 सीटी मार दीजिएगा। उबलने के बाद आपके रोल कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। आप चाहे तो इसे टेस्ट भी कर सकते हैं, एक चाकू लगाकर अंदर बाहर निकालिएगा, अगर उसमें बेसन चिपक जाता है तो इसका मतलब वो अभी कच्चे हैं और नहीं चिपकता है तो इसका मतलब वो पक गए। और ठंडा हो जाने के बाद इस तरीके से इसे गोल गोल पीसेस में कट कर लीजिए। आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं अगर आपने इसे अच्छे से उबाल रखा है, कि ऐसे भी बहुत टेस्टी लगते हैं। और आप चाहे तो इसे डीप फ्राई करके या शैलो फ्राई करके जैसे भी आपको अच्छा लगता है वैसे आप खा सकते हैं। बॉइल किए हुए पतौड़ आप फ्रिज में 5-6 दिन के लिए आराम से रख सकते हैं। जब भी आपको खाने का मन हो या आपके घर कोई गेस्ट आए, बस फ्रिज से निकालिए और तवे में इस तरीके से इसको सेक लीजिए। वैसे तो ये सॉस के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं, मगर मैं इसके साथ ये वाली चटनी बनाती हूँ। टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्च, लहसुन, नमक, जीरा, काला नमक, इन सबको डालकर मिक्सी में पीस लीजिए। आप चाहे तो इसे सिलवट्टे में भी पीस सकते हैं, उसका स्वाद भी बहुत ही अच्छा होता है। और इन पतौड़ को इस चटनी के संग गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व कीजिए, मजा ही आ जाएगा।